भाकपा माले समर्पित जान संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से भाकपा माले कार्यालय हुसैनगंज कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य व जिला सचिव जयनाथ यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, लेकिन उनकी कृषि लागत खर्चा एवं खाद बीज महंगा खरीदना पड़ता है। 100 रुपए डीजल हो गया, 266 रुपए यूरिया प्रति बोरा सरकारी दर निर्धारित किया गया है। किसानों को 330 रुपए प्रति बोरा खरीदना पड़ रहा है। खाद दुकानदार से बात हो रहा है तो दुकानदार हड़ताल पर है, जिनके कारण किसानों को यूरिया की किल्लत एवं यूरिया की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। ये किसानों के साथ हो रहे हालात सुशासन एवं न्याय विकास की सरकार का पोल खुल रहा है। किसानों से दाखिल खारिज में 5,000 से लेकर लाखों तक वसूल किया जा रहा है। जनता दरबार के माध्यम से जमीनी विवाद हल करने की बात हो रही है। 3-3 महीनों से किसान दौड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण सुबग राम छाता, भगवान पड़ित सरिया, ललन यादव टीकरी मठिया, गणेश शाह सरिया, लक्ष्मण यादव गोपालपुर, रविन्द्र यादव टीकरी आदि दर्जनों लोग चक्कर काट रहे हैं। हुसैनगंज टेरी घाट से महापुर तक किसानों से नहर के लिए जमीन लिया गया, लेकिन नहर में अभी तक पानी नहीं आया। समय रहते सरकार एवं कृषि पदाधिकारी अंचल अधिकारी को एक सप्ताह का समय देते हैं और खाद दाखिल खारिज एवं जनता दरबार में समस्या को हल नहीं हुआ तो किसान महासभा किसानों को संगठित कर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। उक्त मौके पर सफी अहमद खालिद हुसैन भी मौजूद थे। किसान महासभा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसका मुद्दा क्या है? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं, सिवान वासियों, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप देख रहे हैं, पूरे सिवान और बिहार के लोग देख रहे हैं, किसानों के आय दोगुना करने की बात केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है, लेकिन जब किसान आज धान का बिचड़ा डाल दिए, रोपनी भी हो गया, लेकिन जब उनको किक पॉइंट उस खेत में यूरिया देने के समय आया है, तो आज ये उन किसानों के सामने यूरिया के भारी किल्लत है। केंद्र सरकार 266 रुपया की दुहाई देती है, प्रति बोरा यूरिया की बात करती है, और 330 रुपया जो खाद दुकानदार हैं वो दे रहे हैं, और उस पर भी एक भारी किल्लत है। आप देख रहे हैं कि धान के रोपनी के सीजन में सरकार ने सिवान रेक का डिमांड भी नहीं किया और एक रेक भी नहीं आया। पुराना जो स्टॉक था उसी स्टॉक के सहारे आज एक भारी धांधली यूरिया की किल्लत है और कालाबाजारी हो रही है, और 330 रुपया किसानों को आज लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बिस्को मान है, उसमें 1 kg भी यूरिया नहीं है। सरकार सचमुच में किसानों के आय की जो बात करती है दोगुना करने की, हम देख रहे हैं कि उनके खेती में जो लागत डीजल का दाम है आज 100 रुपया पार कर गया, तो आज उनकी खेती आज ये महंगाई के कारण कमर टूट गया है, और जब उनको धान के सीजन में यूरिया की जरूरत है तो आए बरस हर वर्षों में यूरिया की किल्लत होती है। पूरा सिवान के लोग, पूरे किसान आज देख रहे हैं, लगातार यही उनकी स्थिति है। इसलिए हम देख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के दाखिल खारिज का जब सवाल आता है तो उसमें 5,000 से लेकर के 50,000 रुपया मांग किया जा रहा है और बड़े एक धांधली किया जा रहा है। जो डोंगल का सवाल है जिसे दाखिल खारिज होना है, वो सीओ और सरकारी कर्मचारी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट नौजवानों के हाथ में सौंप करके एक भारी धांधली और उसमें जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और किसानों से पचास 50,000 रुपया लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं 1975 में नहर की खुदाई, बिस्कीमती जमीन किसानों ने दे दिया टेरी घाट से महापुर तक, लेकिन आज तक उस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं आया। हम देख रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर के अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष से शनिवार को लगातार जो है जनता दरबार लगाते हैं और उसमें निपटारा की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में दूसरी कहानी है। जिन लोगों से डील होता है पैसे के लेन देन, वो मामले हल होते हैं,
और जिन लोगों से डील नहीं होता है तीन तीन महीना से वो चक्कर काटते हैं, उनकी समस्या हल नहीं हो रहा। जिसका उदाहरण रविंदर यादव टिकरी है, भगवान पंडित सरिया है, गणेशा सरिया है, लक्ष्मण यादव गोपालपुर हैं, सुभग राम हथौड़ी टोला छाता हैं, इन दर्जनों लोग जो हैं चक्कर काटते हैं और अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष करते हैं कि तुम इसी तरह से चक्कर काटते रहो, तुम्हारा समस्या समाधान नहीं होगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट पैसे की मांग होती है। इसलिए हम इन तमाम सवालों पर अंचलाधिकारी हों, कृषि पदाधिकारी हों, थानाध्यक्ष हों, इन तमाम लोगों से हम मांग करते हैं सिवान वासियों के, हुसैनगंज वासियों के तरफ से, कि निश्चित रूप से एक हफ्ता के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम किसानों को गलबंद करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से अंचलाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, थानाध्यक्ष को घेरने का काम करेंगे। और यदि कोई विधि व्यवस्था बिगड़ता है तो इसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होंगे, हम उसके नहीं हैं। इसलिए आज हम इन तमाम सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताना चाहते हैं प्रशासन को और जनता की तरफ से डिमांड करते हैं। परिचय बता। अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी सदस्य सिवान जिला सचिव जैनाथ यादव। बोलिए सर, आप कुछ कहना चाहते थे। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आप बंधु, मीडिया बंधु, आप सबको पार्टी की ओर से सिवान वासियों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज सवाल है किसानों का। किसान एक खाद के लेकर तीन तीन किलोमीटर दूर से डिस्कोमान के तरफ जा रहे हैं। जो भी लाइसेंस, छोटे बड़े लाइसेंस थे, पैक्स के माध्यम से सरकार बोलती है कि हम खाद देंगे, लेकिन देखिएगा सरकार का स्थिति ये है कि 14 ठो उसमें मापदंड रख कर कि अगर पैक्स अध्यक्ष अगर केमिस्ट्री बीएससी को उसमें लाते हैं लाइसेंस के लिए तो होगा, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा तो होगा, उनको जो है मापदंड जो है नापतौल का जो है सर्टिफिकेट होगा। इस तरह से 14 ठो उनके पास एक कहिए तो कानून बनाकर एक जो है मापदंड रखे हैं कि इतना सारा चीज दस्तावेज आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। मैं पूछता हूं सरकार से कि किसान जब खेती करना चाह रहे हैं, किसान की चीज है यूरिया, तो कालाबाजारी जहाँ हो रहा है वहाँ आप रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन गांव में कोई ला रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बांट रहा है, तो आप वहाँ जो है कुछ लगा रहे हैं। आपका पूरे बिहार में और सिवान में देखा जाए तो इस साल विपणन मौसम जो चल रहा है 2021, इसमें आपकी कोई रेक नहीं लगी है, यूरिया का कोई जो है जिला को नहीं आया है, आवंटन नहीं हुआ है, तो आप कौन सा खाद देना चाह रहे हैं, कहां से खाद देना चाह रहे हैं? आप तो ये करते हैं हमेशा कि जब भी किसान की जरूरत पड़े वहां आप नहीं देते हैं, उसके बाद रेक लगाते हैं और बिचौलिए के माध्यम से उसके जब सीजन समाप्त हो जाते हैं तो आप देते हैं बिचौलिए को, देते हैं बिचौलिए भंडारण कर लेते हैं और अपने पास रखने के बाद से बाद में वो कालाबाजारी करते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि सरकारी सोसाइटियां जो है 293 सोसाइटियां है उनको हम जागरूक करें, जो है समृद्धि बनाए, वो खड़ा होकर वो अपने पैक्स के माध्यम से बांटे। आप चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि 266 रुपये जो है सरकारी दर है उस दर पर देते हैं। किसान बखूबी समझते हैं, किसान 500 के खरीदते हैं, 350 के खरीदते हैं, 300 के खरीदते हैं, लेकिन आपका जो ये कालाबाजारी है और जो है आपके इसमें साहब जो काम करते हैं 266 के नाम पे दो चार लाइसेंस रद्द करेंगे और पेपर में छपवा देंगे और उसके बाद से बटवाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो किसान बिल्कुल समझता है ये बात कि अगर आप सचमुच आपकी मंशा सही है।